है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे मैं। सो ऑल राइट गाइस, यहाँ पे अभी आप लोग जो स्क्रीन पे स्टेटस वीडियो देख रहे हैं 26 जनवरी वाला, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इसी तरीके की स्टेटस वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो गाइस अभी आप लोग जो स्क्रीन पे स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो लगाया है और मैंने यहाँ पर अपने फ़ोटो से जो है लगा के खुद इस तरीके की एडिटिंग की है, जो यहाँ पर स्टेटस वीडियो बहुत ही कमाल की लग रही है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग अपना फ़ोटो लगा के या किसी फ्रेंड का फ़ोटो लगा के इस तरीके की स्टेटस वीडियो बनाओगे ना, तो आपकी वीडियो बहुत ही कमाल की लगेगी। और इसके बाद आप लोग इस वीडियो को कहीं पे भी अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियोस पे काफ़ी अच्छे लाइक्स और व्यूज़ आएंगे और आपकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाएगी। तो गाइस अगर आप लोग भी इस तरीके की स्टेटस वीडियो का ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ इसी तरीके की स्टेटस वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे मिस्टर सोनू टेक्निकल चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस इस तरीके की स्टेटस वीडियो बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी काइन मास्टर की, तो काइन मास्टर एप्लीकेशन की लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आप लोग काइन मास्टर को ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके बाद आप लोग को प्लस का आइकन पर क्लिक करना होगा, 9.60 का रेशियो को सिलेक्ट करना होगा। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक यहाँ पे मैं आप लोगों को बैकग्राउंड की जो लिंक है मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और गाइस यहाँ पे मैं जितने भी एलिमेंट्स यूज़ करूँगा सारे के सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद गाइस आगे आएंगे, आगे आने के बाद लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना एक जो है बैकग्राउंड रिमूव फोटो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो गाइस अगर आप लोगों को नहीं पता है कि किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कैसे किया जाता है तो इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो की जो लिंक है मैं आप लोग दे दूंगा इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर आप लोग उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कैसे किया जाता है। तो इस फोटो उसकी मैं लेंथ यहाँ पर इस तरीके से बढ़ा लेता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग अपना फोटो किसी का भी फोटो यहाँ पे लगा सकते हैं। फोटो लगाने के बाद आगे आएंगे, आगे आने के बाद लेयर पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे क्लिक करेंगे और इसके बाद मैं आप लोगों को एक शेडो यहाँ पे PNG जो लिंक है मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना और इस तरीके से शेडो को यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे शेडो को आप लोग नीचे साइड में ऐड करेंगे इस तरीके से और इसकी लेंथ आप लोग इस तरीके से यहाँ पे बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे पीछे सॉरी आगे आ जाइए। आगे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इसमें जो है लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए और इसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो है इसकी जो लिंक है मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना और इस तरीके से इसको सिलेक्ट कीजिए, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कीजिए, स्किन को सिलेक्ट कीजिए और इसको आप लोग यहाँ पर नीचे साइड में थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर सेट कर देंगे। और यहाँ पे सेट होने के बाद इसको आप लोग यहाँ पे फिक्स कर देंगे और आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब गाइस इतना काम होने के बाद आप लोगों को करना क्या है, लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए और मीडिया पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक जो टैम्पलेट की जो लिंक है मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। तो और इस तरीके से इसको आप लोग यहां पे सिलेक्ट करेंगे और इस आइकन पे क्लिक करके इसको फुल करेंगे और ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे चले जाइए, यहां पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, ब्लेंडिंग पर जाइए और स्किन को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों का इतना काम हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग इस लेयर पर क्लिक कीजिए और मीडिया पर क्लिक कीजिए और इसके बाद मैं आप लोग को एक बॉर्डर लिंक दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कर लेना और इस तरीके से इसको सिलेक्ट करके इसको आप लोग यहाँ पर फुल कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आप लोग इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ब्लेंडिंग वाली ऑप्शन पे जाएंगे और स्किन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। स्किन को सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं आप लोगों का यहाँ पे स्टेटस रेडी हो चुका है। इसके बाद दोस्तों लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को एक जो यहाँ पे स्मोक वीडियो की जो लिंक है मैं आप लोगों को दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग जो है इसको आप लोग इसको नीचे साइड में आएंगे, ब्लेंडिंग को सिलेक्ट करेंगे और स्किन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। स्किन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको जो फिट करेंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों की जो फोटेज है, तो यहाँ पे मैं अपनी फोटेज को जो है सिलेक्ट करूँगा, ये मेरी फोटेज है, इन एनिमेशन में जाऊँगा, स्लाइड राइट ये वाला इफेक्ट सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें अब ये वाला इफेक्ट आ जाएगा, अब मैं वीडियो को प्ले करूँगा।
गाइस मेरी स्टेटस रेडी हो चुकी है, एरो वाले आइकन पे क्लिक कीजिए और इसको आप लोग जितनी हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हो उतनी हाई क्वालिटी को सिलेक्ट करेंगे और इसको आप लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। और इसके बाद इस वीडियो को आप लोग जहाँ भी अपलोड करना चाहते हैं वहाँ जाके इस वीडियो को अपलोड कर दीजिए।